प्रोडक्ट के बारे में, गेनोडर्मा के बारे में बता रहे थे, तो हम लोगों को जानकारी मिलता है इस प्रोडक्ट के बारे में, और वो कोई और नहीं बताने वाले थे, रोशनगंज सिरघाटी से, बिहार से ही है वो, इंदु मैडम। जहाँ कहीं भी हैं, इंदु मैडम को भी नमन करते हैं सत सत, और एक तालियां होनी चाहिए। इंदु जी ने बताई और इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलता है, तो हमने जा करके इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलने के बाद लोगों को इस सेक्टर से कैसे विकास होगा, हमें कैसे विकास, हमारी बहन को कैसे प्रॉब्लम दूर होगा, ये सारा चीज हमको जानकारी मिलता है। और सन 2009 एक अक्टूबर के दिन जो है मेरा ज्वाइनिंग होता है, और डिएक्शन का प्रोडक्ट रेसी गैनो टी और गेनोजी टूथपेस्ट और एक गेनोजी सोप, यानी तीन प्रोडक्ट से डिएक्शन में हम आते हैं। बहन के लिए रेसी गैनो टी और गेनोजी टूथपेस्ट लिए थे क्योंकि बहन का प्रॉब्लम था, गेनोजी सोप हम लिए थे क्योंकि हमारी जो है पत्नी का दांत चेहरे में दागी था और वो छाही था, काली छाही, वो जल्दी ठीक नहीं होता है, उसके लिए हम गेनोजी सोप लिए थे। और वो सोप और गेनोजी टूथपेस्ट डिएक्शन टी लेकर के घर गए, जाने के बाद जो है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमारी बहन करती है, और वहां से जो इमेजिंग कीजिए, कल्पना कीजिए, जो रिजल्ट आता है 1 महीना के अंदर, जो हम लोग को पटना ले जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, यानी मटर के बराबर पेस्ट को लगाने के लिए बोला गया था मसूड़ा में, और 5 मिनट मालिश करना है, 10 मिनट छोड़ देना है, फिर फूल दातुन और ब्रश कर लीजिए। न बहन हमारी दातुन करती थी, न ब्रश करती थी, किसी भी प्रकार से वो अंगुली से चला करके शुरुआत करती है। 1 महीना बीता, वो पटना ले जाने की जरूरत नहीं पड़ा, चाय भी पीने लगी, मुंह में लेकर के कुल्ला करके पीने लगी। दूसरा महीना बीता, तीसरा महीना बीता, फिर बोलती है कि भैया जी देखिए ना, दांत अब मेरा कम हिलता है। तो हम लोगों को और विश्वास बढ़ने लगा, जागने लगा। तो इस प्रकार से जब बढ़ने लगा जो है विश्वास, तो हमने जो है वहां से 3 4 5 महीना वेट किया। उसके बाद जो है देखा कि अब तो इसका पटना ले जाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको तेजी से बताएंगे। आवाज देखिए, मेरी बहन का दांत का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, एक रेसी गैनो टी गेनोजी टूथपेस्ट के बदौलत आज स्वस्थ है, अच्छा है, मसूड़ा भी सब हम लोग को जैसा है, आज नया जीवन मिला, शादी ब्याह बच्चे भी हैं और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। एक जोरदार ताली होनी चाहिए डीएक्स रेसी गैनो टी गेनोजी टूथपेस्ट के लिए। और वहां से जो रिजल्ट हुआ, उसके बाद जो है हम टीडी चलाते थे, दुकान में भी प्रोडक्ट रख करके लोगों को बताने का काम शुरू किया। जब हमने शुरुआत किया बताने के लिए, तो 3 माह तक हमसे एक भी सामान नहीं बिकता था, एक चाय का डब्बा भी कोई लोग नहीं लेते थे, क्योंकि 2009 की बात यदि हम लोग बात करें तो उस समय का जो है दौर था कि कोई भी आदमी को कहीं गैस कब्जियत भी ठीक होता है, इसके लिए बताने के लिए कहीं कोई जगह नहीं था कि कोई का गैस कब्जियत ठीक हुआ, कोई का जो है और भी छोटे छोटे परेशानियां ठीक हुआ, कहीं भी रिजल्ट नहीं था। किसी को भी बताते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे दाए सब फालतू का है, इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर है, मास्टर है, बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह खुला हुआ है, तो वो क्या करेगा, और आप तो आप ही को डॉक्टर ही चलेगा। कहते हैं कि गेनोडर्मा एक जड़ी है और इस जड़ी को खाएगा उनके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी सप्लीमेंट है, आपके शरीर में यदि सप्लीमेंट जाएगा तो कोई भी बीमारी नहीं होगा, सीधा सी बात। तो हमने बताने का काम किया, और फिर जो है जब 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीता, तीसरा महीना के बाद हमको एक डब्बा चाय बिका था। आप दोस्त सोच सकते हैं कि आज का जो दौर है, आप लोग ज्वाइन करते हैं और घर जाते जाते भी बहुत सारा प्रोडक्ट आप लोग बेच देते हैं, जैसे है कि चाय है, पेस्ट है, गेनोजी सोप है, इस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा इतना सामान बिक गया। तो आज जो है मेरा जो पहले का जो दौर था, वो आज आज का समय आप लोगों के बीच में नहीं बीत रहा, जितना हमने स्ट्रगल किया बताने के लिए। कोई भी समय सीमा यदि हम लोग उस समय की बात करें तो आंख से आंसू आता है। उस समय बताने के लिए मोबाइल नहीं था, न कोई टेलीफोन की सुविधा था, न आपका रोड बढ़िया था, रोड भर भर ठून गड्ढा था, मोबाइल नाम का चीज नहीं था, और बस नहीं चलते थे, बस भी नहीं चलता था। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, कहीं भी हम जाते थे तो हमने एक टूटी फूटी साइकिल उठाया था,
और वो साइकिल पर प्लास्टिक का झोला लेकर के आगे हैंडल में टांग करके चाय पेस्ट साबुन स्पिरुलिना ये सब जो है लेकर के लोगों के बीच में बताने का काम किया। गांव गांव में जा करके बताते थे, भैया आपके नानी घर कहाँ है, दीदी आपके जो है मायके कहाँ है, आपके मौसी कहाँ रहते हैं, उस गांव में नाम लिख देते थे और उस गांव में जा करके पूछ देते कि फलाने दीदी ने भेजे हैं, फलाने भैया ने भेजे हैं, तो वहां से आए हैं, बैठिए बैठिए। फिर जो है वहां पर जा करके बैठाते थे उन्हीं लोग कि नहीं हमारे नहरा से आए हैं या मेरे भैया जी भेजे हैं तो बैठा देते हैं, हम की कुछ लोग को बैठाइए और फिर जो है हम अपना ये जो है डिएक्शन का जो है बैनर लगाते थे और गेनोडर्मा चाय पेस्ट साबुन निकाल करके और बताने का काम शुरू करते थे। फिर जो है वहीं पर हमें चाय का डब्बा खुला ले जाते थे और अपना चीनी भी ले जाते थे 1 किलो और छोटा वाला प्लास्टिक का जो है वो कप जाता था वो ले जाते थे और वहीं पर ही कहते थे कि दीदी आप पानी गर्म कर दीजिए, मेरे पास चाय भी है चीनी भी है और कप भी है, और उसको सभी लोग 10-20 लोग जो बैठते थे उसको सबको जो है थोड़ा थोड़ा पिलाने का काम करते थे डेमो, और उस तरह की से वो पीते थे तो लोग बोलते थे इतना बढ़िया चाय है कैसा लगा, यही चाय है गेनोडर्मा का, हाँ यही चाय है, ये तो बहुत अच्छा है, इसका लुक बढ़िया है, इसका स्वाद बढ़िया है और इसका एक खुशबू गजब की है। तो हमने जो है वो प्रेजेंटेशन करते थे तो लोग चाय भी लेते थे, कोई पेस्ट लेते थे, पेस्ट के बारे में मेरी बहन का रिजल्ट जब बताते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे कि मेरा भी दांत में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी बहन का जितना प्रॉब्लम था उतना शायद किसी का ना हो, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जब वो ठीक हो सकती है तो आप भी ठीक हो सकते हैं। इस प्रकार से जो है प्रोडक्ट, किसी को कमजोरी वगैरह रहता था, थकान कमजोरी कुपोषण का शिकार, स्पिरुलिना लोग लेते थे, कोई कोकोजी लेते थे, इस प्रकार से गेनोजी सॉप, दाग धब्बे छाही भरे रहता था उसके लिए गेनोजी सॉप लोग लेते थे, टिटरी क्रीम लोग लेते थे, दर्द के लिए जो है यानी जो है थकान कमजोरी रहता था बॉडी मसाज के लिए गेनो मसाज का भी सेवन लोग करते थे, और पेस्ट सबसे ज्यादा बिकता था। जब हम ये जो साइकिल चला चला करके और जो है 20 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर दूर तक जाते थे, किस लिए जाते थे, मेरा रीजन एक ही था कि 2009 के बाद जो मेरा शादी हुआ था तो शादी होने के बाद जब घर में पत्नी आई थी तो बार बार कहती थी हमें कि हमको जो है मिलिट्री वाला लड़का से शादी हो रहा था और शादी एसटीडी वाला से हो गया, वो कि हम कि ऐसा क्यों, तो बोल जो बाहर में जो नौकरी करते हैं हमारे सहेली वगैरह का जो परिवार है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में रखते हैं पढ़ाते हैं अच्छा घर में रखते हैं, वो जो है अच्छा अच्छा कपड़े पहनते हैं, यानी हर महिला को सपना होता है कि हम शहर में रहें और हम एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस करें, और घर आती थी गाँव आती थी तो इन लोग से बोलती थी और कपड़ा लता पहन के आती थी उसमें भी जो है बहुत अच्छे लोग रहते दिखते थे, तो इनका भी शौक था कि मेरा भी शहर में रहे हमारा परिवार भी नौकरी वाला मिले, आप तो एसटीडी चलाते हैं एसटीडी वाला मिल गया, तो हमने बोलते थे कि कोई बात नहीं है हम आपको सारा सपना को पूरा करेंगे, लेकिन ये कहती थी कि नहीं आप नौकरी कीजिए, नौकरी में ज्यादा भरोसा था इनको, लेकिन हमको नौकरी में मन नहीं लगता था, हम एसटीडी चलाते थे बिजनेस करते थे शुरू में और एसटीडी चला चला करके भी वहां भी पैसा कमाने का काम करते थे, और वो जो है पैसा कमा करके भी बहुत सारा चीजें हमने वहां भी शुरुआत में जो है कुछ बनाए थे, और इस तरीके से जो है इनको सपना था, इनको सपने के लिए जो बार बार कहते थे कि हमको नौकरी वाला से शादी हो रहा था, हमको मिलिट्री वाला से हो रहा था, हमको एसटीडी वाला से हो गया, तो हमने इनकी सपने और इनको जिद को देखते हुए हमने डिएक्शन को रात दिन मेहनत किया और शुरुआत किया, यानी जो है सफलता करना है दोस्त तो जिद्दी बनना पड़ेगा, बिना जिद्दी बने हुए नहीं मिलेगा कुछ भी, और हमने जो है इनको जो है शपथ लिए थे आपका जहानाबाद में ताज रेस्ट हाउस में जो है मीटिंग था, और उस मीटिंग में जो है हम लोगों को गुरु हम लोग को मेंटर जो है के अग्रवाल सर जहाँ कहीं सर हैं सर आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, जो उस दिन कसम खिलाए थे और पूरे हॉल में बैठा करके कि कौन अपने पत्नी को रानी बना के रखेगा या नौकरानी बना के रखेगा जो अपना कसम आज ले सकते हैं, तो हमने वहां कसम लिया कि सर हम अपने पत्नी को रानी बना के रखेंगे नौकरानी बना के नहीं, इसी में दम है तो खाओ कसम, बहुत सारे लोग उठाए और उसी दिन उस कसम जो हम खाए फिर रानी बना के रखेंगे नौकरानी नहीं, उस कसम को याद करते थे दोस्त, और हमारा साइकिल खूब चलता था, हमने जो है चाय के बारे में खूब बोलते थे, पेस्ट के बारे में खूब बताते थे, जो मेरी बहन को रिजल्ट मिलता था थोड़ा चाय पेस्ट साबुन
तो ये जो है बताते थे उन लोगों को। और वो जो है दिन हमको याद आता है कि जब वहां जाते थे लोग मजाक उड़ाता था, बहुत सारे लोग जो है जाते जाते क्या करते थे कि दरवाजा लोग बंद कर लेते थे, अरे चाय बेचे वाला आ गया दरवाजा बंद कर लो, यानी देखते के साथ ही वो दरवाजा बंद कर लेते थे, कहते थे कि नहीं फलाने आदमी आ गया चाय बेचे वाला, ये इसका तो यही काम है, लोग दरवाजा लगा देते थे। तो लेकिन जो है हम भी जिद्दी थे कि नहीं हमको मीटिंग में जाके बात करने का बिजनेस है, बात करने से यदि पैसा आता है तो हम बात करेंगे। और बात करने के लिए साइकिल जब हम लिए थे, साइकिल पर ये टाई लगा करके हमने काम चलाते थे, साइकिल पर टाई लगा के जब चलते थे तो लोग बोलते थे कि आपको पुलिस पकड़ लेगा। हम कि क्यों पुलिस पकड़ लेगा, तो क्या आप प्रोफेशनल आदमी हैं, तो क्या आप प्रोफेशनल, हम की प्रोफेशनल से कम कहा दिखते हैं आपको, बताइए हम इतना बढ़िया चाय बेच रहे हैं और चाय बेच बेच करके बता बता करके हम अपने सपने को पूरा करने के लिए निकले हैं, हम अपनी पत्नी को सपने पूरा करेंगे रानी बनाने का, बच्चे को जो है अच्छा स्कूल में शिक्षा दीक्षा देंगे, एक सुंदर घर बनाएंगे, सुंदर कार लेंगे, देश विदेश का भ्रमण करेंगे। हम मीटिंग में सुनते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं, हम एक भी मीटिंग नहीं छोड़ा। तो अगर दोस्त आपको भी सफल होना है, पेशेवर बनना है, तो कहीं भी पता चले कि मीटिंग है तो उस मीटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए अपने टीम के साथ। और जो है इस तरीका से जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा हमने लिया, टेम्पू से भर भर के ले जाते थे गया 60 किलोमीटर दूर अपना पैसे से लगा करके, 10 गो 12 गो के भरते थे, फिर कमांडर पर भर के ले जाते थे, फिर जो है कल्पना इमेजिंग कीजिए, सोचिए आप लोग सिटी राइड बस उसको में भर करके नीचे ऊपर रिजर्व करके हमने गया लाते थे। सर लोग बोलते थे कैसे कहते हैं आप लोग को आदमी नहीं मिलता, देखे तो शशि जी का आदमी जो है वहां बस से आ रहा, टेम्पू से आ रहा, कमांडर से आ रहा, आप लोग कोई लाते नहीं है, जो लाएगा जो आदमी को भरेगा उसी का एरिया बनेगा, उसी का जो है ज्यादा पीवी बढ़ेगा, ज्यादा बोनस बढ़ेगा, उसका ज्यादा आदमी होगा, वो ज्यादा ग्रोथ करेगा। हम कहे कि वो यह फार्मूला है, हमने कहा कि बिल्कुल जो है सर हमने जो है बस भर भर के लाएंगे, ट्रेन पर जो है भी लाते थे और इस तरीके से लाते गए। आज मेरा बिहार में जो है हम अकेले शुरुआत किए थे, आप कल्पना कीजिए एक आदमी 2009 में आए थे, आज मेरे नीचे 4,45,000 आदमी क्रॉस कर गया। आप सोच सकते हैं 4,45,000 आदमी मेरे टीम में भी सभी लोग हैं वैसा ही लेके जाते हैं। आज जो है मैं हमारे टीम की बात किया जाए तो मेरे नीचे धर्मशीला मैम एंड सुरेंद्र प्रसाद वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर जहां कहीं भी है उनको भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं और उनके लिए भी एक जोरदार तालियां लगाइए, जो कि जो है कहीं भी वर्कशॉप हुआ पटना, इसके बाद जो है गोवा या कहीं भी बसुपाल क्रिएशन हुआ, फ्रीडम डे हुआ, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और ट्रेन भर भर के ले जाते थे। 127 आदमी के लगभग गोवा ले गए थे। इसके बाद हम लोग जो है फर्स्ट कैंप में भोपाल गए थे, बनारस, इसके बाद जो है आपका गोवा के बाद हम लोग बम्बई गए थे, फिर जो है आपका केरला, उसके बाद जो है मैसूर, उसके बाद जो है उड़ीसा कटक, इस तरीके से जो है हर ट्रेनिंग पटना फिर रांची बहुत सारा जगह हमने यानी देश विदेश में हर जगह सीखने का काम किया और हर जगह मेरा टीम सबसे ज्यादा जाता है। और एक तारीख को भी कोई लिफाई की यदि बात किया जाए तो मेरे नीचे जो है बहुत सारा डायमंड यानी जो हमारे टीम में धर्मशिला में जो है कुंदन, उसके बाद जो है मिंता आपका जो है विजेता जी, उसके बाद जो है लक्ष्मी रेखा देवी आपका जो है बहुत सारा जो है टीम में मेरे आदमी हैं, वो रात दिन मेहनत करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और जो है इस तरीके से जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और मेरा एक ही रीजन है, हमको उस समय पता चला था कि एक तारीख को पीवी बनाने वाला बहुत दूर जाएगा। देखिए पेशेवर कैसे बनना, जब हम समझ गए, हम डीएक्शन में भी काम करने के पहले एसटीडी चलाते थे तो वहां भी हमारा काम था बिजनेस, और डीएक्शन भी आया तो हमको बिजनेस मिल गया। जब वहां भी सुबह से शाम तक हम बैठे रहते थे, जिस दिन बैठे रहते थे पैसा नहीं आता था, बैठे नहीं रहते थे तो पैसा थोड़े कोई दे देगा, दुकान खोलेंगे बैठेंगे तो पैसा आएगा, बैठेंगे नहीं तो पैसा नहीं कोई देने वाला है। अगर हम कहीं इधर उधर चल जाएंगे तो दुकान में बहुत सारे लोग आएंगे, वो दूसरा दुकान में चले जाएंगे, क्योंकि ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करता है। और वो जो है लगातार बात करने का बताने का काम किया हमने 2009 से, साइकिल से शुरुआत करके हर गांव गांव में गया। आप लोग कल्पना कीजिए दोस्त, आपके पीछे इतना सारे सुविधाएं हैं, मेरे पास
मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल भी आया था तो BSNL का सिम 3,000 रुपया में मिलता था। अगर सिम लगाते थे तो कहीं हम ऐसे बात कर रहे थे हेलो, और आपका टावर आ गया, कहीं हम इधर घूम जाते थे तो मेरा टावर गया, और कहीं वो इधर उधर हो गया तो टावर कट जाता था। डायल किया अगर नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, कहीं छत पर चढ़ते थे तो बात होता था, और दोनों एक समय के लिए सोचते थे कि 8 बजे बात करना है तो 8 बजे दोनों छत पर रहते थे, कभी अहरे पर जाते थे, कभी पेड़ पर चढ़ करके बातें करते थे। साइकिल था, रोड गड्ढा गड्ढा था, बोल्डर इतना बड़ा बड़ा था। आज भी वो बात को याद करते हैं तो आंख से आंसू आता है, आंख भर जाता है आंसू से। आप सोच सकते हैं दोस्त, जब साइकिल चलाते थे 7-8-9 बजता था, उस बोल्डर से टकराता था, गड्ढा में जाता था, साइकिल उधर भिगा जाता था, हम उधर भिगा जाते थे। लेकिन हम भी जो है बिजनेसमैन थे, हमको जो है वो दिन याद आता था कि हम अपने पत्नी को रानी बनाएंगे, हम कसम खाए हैं, तो सारा चीज भूल जाते थे, सारा दुख दर्द भूल जाता था, और फिर हम सुबह में निकल जाते थे अपने सपने पूरा करने के लिए। तो सपना को देखना चालू कीजिए, और जो जितना ज्यादा सपना देखेगा उसका उतना ही ज्यादा सपना पूरा होगा। जितना भी सपना है, जितना नेगेटिव है, उसको कचड़े के पेटी में डाल दीजिए, उसको लहरा दीजिए। 2021 खत्म होने वाला है, उसको विदा कर दीजिए, जला करके राख कर दीजिए। 2022 में यार दोस्त, अभी से ही इतना हम लोग शुरुआत करें जम करके, ये 2022 का शुरुआत भी बढ़िया रहे। और अभी हम लोगों को बीच में जो फ्रीडम डे आ रहा है 27 तारीख, उसका भी बढ़ चढ़ कर हम लोग हिस्सा लेंगे। हर घर घर में, हर शहर शहर में हम लोग जो है बैठा करके, ज्यादा से ज्यादा मेरा आदमी बैठेगा, और प्रोजेक्टर लगा के, लैपटॉप लगा के, मोबाइल चालू करा करके सब लोग हम लोग दिखाने का काम की तैयारी बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं। आप लोग भी कीजिए, जितना ज्यादा आदमी क्राउड कीजिएगा, जितना ज्यादा भीड़ लगाएंगे आपका उतना बड़ा नेटवर्क होगा, ये भीड़ लगाने का है। जितना बड़ा मेला लगा दीजिए, कंपनी का भी बहुत सारा जो है प्रोग्राम आता है, 12 बजे का प्रोग्राम में मेला लगाइए, 2 बजे का प्रोग्राम में मेला लगा दीजिए। आपके टीम कहीं भी है, 12 बजे कहीं भी मीटिंग आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, तो वहां पर आप मोबाइल को रख दीजिए और आप चालू कीजिए मोबाइल रख करके, और जो भी पार्टिसिपेंट वहां पर ही बैठे हैं उस दीदी भैया को दिखाइए कि देखिए 2 बजे से 12 बजे से 1 बजे तक लाइव होगा, 2 बजे से लाइव होगा। आपको तो बदल बदल के डेली जो है हमारे जो है डीएक्शन का एक पर एक जो है जुझारू लीडर लोग आ रहे हैं, एक पर एक क्राउन एम्बेसडर आ रहा है, एक पर एक लीडर, एक पर एक मीटिंग हमारे मैनेजमेंट ने अरेंज किए हैं। 7 बजे RBC का मीटिंग चल रहा है, 7 बजे का मीटिंग भी दिखाना चालू कीजिए। ये मीटिंग ट्रेनिंग क्या है दोस्त, आपका ऑक्सीजन का काम करता है। अगर ऑक्सीजन बंद कर दें तो क्या होगा, थोड़ा सा कल्पना कीजिए ना, आप अपने नाक को बंद कीजिए, आप देख लीजिए 1 मिनट 2 मिनट के अंदर क्या आपको बुझाता है। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको प्रतिदिन जो 12 बजे होता है, 2 बजे होता है, 7 बजे शाम में RBC ट्रेनिंग होता है, आप भी अपडेट रहिए, अपने टीम के साथ भी अपडेट रहिए, कहीं भी मीटिंग में रहिए आप 12 बजे का मीटिंग दिखाइए। आपके टीम में कितना आदमी देख रहा है आप सोच सकते हैं, आप जितना देखेगा उतने पीवी बढ़ेगा, उतना बड़ा लीडर तैयार होगा। आप ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगा दो दोस्त, ये भीड़ लगाने का आपका ही कोविड के दौर में घर घर में रोज मीटिंग दे रहा है। एक जोरदार ताली मैनेजमेंट के लिए भी दीजिए कि 2-2, 3-3 मीटिंग एक एक दिन में हो जाता है। आपको सारा सपोर्ट लीडर से लेकर के कर रहे हैं। अब 7 बजे जो मीटिंग देखना चालू कर दीजिए, वो 7 बजे दिन भर काम करने के बाद शाम में आइए, कलम कॉपी लेकर के नोट कीजिए। दोपहर में भी 12 बजे का मीटिंग है, उसमें नोट कीजिए। आप प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं, आप एक अच्छे आदमी कैसे बन सकते हैं, आप अच्छा पेशेवर कैसे बन सकते हैं। तो जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा पैसा होगा, टीम कैसे बढ़ेगा, आप क्राउड कीजिए, भीड़ लगाइए। भीड़ लगाने की क्या होगा, आप लिस्ट बनाइए ना, आपके पास लिस्ट बनाने के लिए डायरी होनी चाहिए। देखिए एक डायरी इस तरह प्रकार से लीजिए जिसमें आप लिस्टिंग का काम कीजिए, कौन कौन मीटिंग में आएगा, आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट होना चाहिए 200-300-400-500 आदमी का। देखिए कॉन्टेक्ट लिस्ट मेरा है, इस तरह से डायरी में बनाइए। फिर जो है आपका एक पीवी रिपोर्ट का होना चाहिए कॉपी, देखिए पीवी रिपोर्ट का, डेली का पीवी रिपोर्ट मेरा है, ये पीवी रिपोर्ट का कॉपी रखिए। और एक जो है रखिए आपका प्रतिदिन जो मीटिंग होता है, चाहे 12 बजे हो या शाम में हो, यदि आप घर पर हैं तो इसमें नोट कीजिए क्या क्या आपको कौन सा लीडर का मीटिंग है, कितना बजे चल रहा है, कितना बजे आप देख रहे हैं, आप उसको नोट कीजिए टॉपिक।
हो सकता है किसी भी लीडर के एक बात आपको जीवन को जिंदगी को बदल दे। कहिए जो है 3 रजिस्टर मेरे पास है, आप लोग भी रजिस्टर को बनाइए, कोरा कागज देख लीजिए कैसा है। ये जो है बनिया का है, लाल का जो है किनारा, और हम बनिया का काम शुरू से ही करते थे। तो आप लोग भी ये जो है अच्छा कीजिए, आपके पास एक गिनोडर्मा होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, फाइल होना चाहिए, कंपनी का जो है ये सारा चीज होना चाहिए आपके पास, किताब फाइल, डॉक्टर लिम्स योजन का किताब, आरबीसी का जो है आपका जो है बहुत सारा किताबें जो है प्रेजेंटेशन के द्वारा जो बताया जा रहा है उस किताब को भी रखें। और कभी कल्पना कीजिए, ये जो है हम लोगों को बीच में काम जो है आता है काम करने के लिए, आप दी एक्शन लाइफ, ये देखिए मैगजीन है, इस मैगजीन में कभी हम लोग सोचते नहीं थे कि मैगजीन में भी क्या मेरा फोटो सब आएगा। आप या दोस्त कम जो है कल्पना कीजिए, देख लीजिए ये जो है मैगजीन में जो है मेरा फोटो है, हमारा और मेरे परिवार मैडम का भी फोटो है, आपका भी फोटो आएगा। आप कभी सोचिए कि मैगजीन में फोटो आपको आएगा, कभी हम लोग सोचते थे ये कैसे हुआ? आपकी मेहनत का रंग लाएगा, आप मेहनत रंग लाएगा, आप मेहनत कीजिए, जितना मेहनत कीजिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, बहाना नहीं बनाइए, हम बहाना नहीं बनाते हैं। कहा जाता है कि जो बहाना बनाते हैं वो सफल नहीं होते हैं, और जो सफल होते हैं वो बहाना नहीं बनाते हैं। आप पूछ लीजिए एक एक सफल व्यक्ति के कितना स्ट्रगल किया होगा, उनसे बात करके देखिए, वो बहाना नहीं बनाता है। आज मीटिंग में जाना है, बहुत ठंडा लग रहा है सर, 12 बजे मीटिंग है, नेट खत्म हो गया सर, शाम में 7 बजे मीटिंग है, नेट खत्म हो गया सर, लिंक नहीं आ रहा है सर, ये सब जो समस्याएं हैं उस समस्या को कचरा के पेटी में डाल के जला करके राख कर दीजिए। आपका सपना, आपका इच्छा इतना प्रबल होना चाहिए कि प्रबल जब होगा तो कहा जाता है कि पूरे धरती और कायनात आपके जो है पीछे लग जाएगा और आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये जो है गाइनोडर्मा में भी सेक्सुअल पावर है, सोचिए, ये जो है आकर्षित करता है, गाइनोडर्मा को रखिए। और जब से हम गाइनोडर्मा रखे हैं, आपके पास भी रखिए, आपके पास भी होना चाहिए, मीटिंग में कहीं भी जाइए, प्रेजेंटेशन में गाइनोडर्मा को दिखाइए। इसको दिखाएंगे ना, गाइनोडर्मा के देख करके बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ये क्या है हम लोग बताते हैं इसको, एक किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा, आप गूगल में डाल करके देख लीजिए, अगर किसी भी कंपनी के पास जड़ी बूटी का राजा है तो बता दीजिए, हम वहां काम करेंगे। तो गूगल में चेक करता है, हम एक कंपनी एक कंपनी, हम किसी को नाम नहीं बताते हैं, ना आप किसी को नाम बताइए, सिर्फ लिखिए किंग ऑफ हर्ब, किंग ऑफ हर्ब लिखता है, जड़ी बूटी का राजा डी एक्शन के पास आता है गाइनोडर्मा लुसीडियम, और इसका फाउंडर डायटो डॉक्टर लिम्स योजिन, जो IITian है, खड़गपुर से जो है पास कर करके 10 साल जंगल में भटकने के बाद जो है गाइनोडर्मा को रिसर्च किए हैं। 300 एलिमेंट से ऊपर उस समय था, आज 400 से ऊपर एलिमेंट है जो हमारे कोशिका पर जा करके सर्विसिंग का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए फिर से फाउंडर CEO डायटो डॉक्टर लिम्स योजिन के लिए। और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि स्वास्थ्य यही मिलता है, धन यही मिलता है, खुशियां यही मिलता है। आप सोच सकते हैं ना, किसी का प्रोडक्ट दीजिए, यदि उसको भला हो जाता है क्या पाप चढ़ेगा? बोलिए आप लोग पार्टिसिपेंट जितने भी जूम में हैं, अगर पाप नहीं चढ़ेगा तो पुण्य का काम कीजिए। इस दुनिया में यदि हम लोग आए हैं दोस्त, जिंदगी और काम और मौत का कोई ठिकाना नहीं है। देख लीजिए आप, कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए, अच्छे अच्छे लोग चले गए इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी का बूस्टर हम लोग के पास है, इम्यूनिटी का राजा गाइनोडर्मा का, रेसी गाइनोटी, एस्पायरुलिना, RGGL, ये सब प्रोडक्ट का इम्यूनिटी बूस्टर है, हम लोग को पहले से खाएंगे तो हम लोग के पास कोई भी बीमारी परेशानी नहीं आएगा, और बताएंगे उसको भी नहीं आएगा, अगर कुछ परेशानी में है तो वो ठीक हो जाता है, वो लाख लाख दुआ देगा। और यदि बात किया जाए तो डिएक्शन नेक का काम है, दुआएं का काम है, हम किसी भी सेक्टर में, हमने सहारा इंडिया GTFS LIC किया था, नेक का काम नहीं है, दुआएं का काम नहीं है, ये जो है नेक और दुआएं का काम है। तो इसको जो है हम लगन से और दिल से गाइनोडर्मा को, चाय को अपनाया, 1 महीना में दोस्त आप लोग बोलते हैं चाय नहीं बिकता है,
हम अपने बच्चे और पत्नी के सपना पूरा करने के लिए, रानी बनाने के लिए इस चाय के डब्बा को एक महीना में 30 से 35 डब्बा बेचा करते थे और आज भी बेचने का काम करते हैं। आप सोच सकते हैं आपको 3500 पीवी नहीं बन पा रहा है, 1 तारीख को पीवी नहीं बन पा रहा है। 1 तारीख को हम पीवी बनाने के लिए शुरुआत की थी उस समय जिस समय 1000 पीवी चला था। आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, कंपनी के पास सारा रिकॉर्ड है। 1500 पीवी बनाए तो 1 तारीख को बनना है, 3000 पीवी के लिए आया तो 1 तारीख को बनना है, 3500 पीवी आया तो 1 तारीख को ही बनना है। और दोस्त 1 तारीख का 3500 पीवी का जो है रिकॉर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो ये मेरे पास कॉपी है, डायरी है, 1 तारीख को मेरा पीवी जाता है 1,45,000, 1,48,000, 1,54,000, 1,00,000 जो है 42,000 पीवी 1 तारीख को मेरा पीवी जाता है। आप सोच सकते हैं ना, अगर आज जिसका बोहनी बढ़िया रहेगा उसको क्या 30 दिन और हम लोग बैठेंगे। तो ये मेरा टोटल पीवी की यदि बात किया जाए तो हम अपना टोटल पीवी बताते हैं आपको 30/11/2009 का 2,12,26,000 पीवी था मेरा। आप सोच सकते हैं ना, ये 2 करोड़, अभी पीवी थोड़ा सा कटनी उठनी चल रहा है इसके वजह से डाउन है, 2,54,48,00,000 मेरा पीवी जाता है। और हमने सभी मिलकर के हम लोग जो है ये जो है प्लान बना रहे हैं कि इसको जल्दी ही 3 करोड़ पार किया जाए। सभी गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए, सभी मैनेजमेंट का आशीर्वाद चाहिए, सर आप लोगों को आशीर्वाद चाहिए, और आप लोगों को आशीर्वाद से आप लोगों को जो है इतना बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट ला करके दे रहे हैं हम लोग को बीच में, इसको जो है हम लोग 2022 में मेरे नीचे हम जितना जल्दी कोशिश करेंगे 3 करोड़ पार करने के लिए। इसके लिए हमें और हमारे टीम को हमको जो भी करना पड़े, जितना भी मीटिंग देना पड़े, जितना होम मीटिंग की संख्या बढ़ा देंगे, जितना होम मीटिंग करेंगे, मेरे टीम में अभी एक दिन में एक एक आदमी 3 गो 4 गो 5 गो होम मीटिंग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं सर चाय पेस्ट साबुन बिक गया, कोई कह रहा है चाय साबुन बिक गया, कोई कह रहा है साबुन बिक गया, कोई बोल रहा है कि हमारे जो है 1000 का प्रोडक्ट बिका, कोई 3000 का प्रोडक्ट बिका। इसको और तेजी से हम लोग अंजाम देंगे और हर घर घर कर तक जाएंगे, जिसके वजह से कोरोना का भी तीसरा लहर अभी आ रहा है और वो भी दूर भागेगा। और हम लोगों के पास तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इस कोरोना काल में, इस पेंडेमिक काल में घर घर में चाय और स्पिरुलिना पहुंचा देंगे। कोई भी वायरस आएगा पहले हम लोग सुरक्षित रहेंगे, यानी दरवाजा में ताला लगा के रखेंगे। अगर इम्यूनिटी बढ़िया रहेगा तो वायरस ना कोई भी वायरस आवे आएगा निकल करके चला जाएगा। और हम अपना जो एक्सपीरियंस बताते हैं, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को कोरोना पकड़ा था, लेकिन जो डीएक्शन का सच्चाई से जो है प्रोडक्ट खाया पिया उस इंसान को कोरोना अंदर गया, एक दिन सर्दी हुआ गायब, किसी को पता भी नहीं चला कि मेरा सर्दी खांसी क्या हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चला गया और ठीक हो गया। क्योंकि आप लोग बहुत सारे सुने होंगे कि कोरोना आपको हो गया था लेकिन आप कैसे ठीक हो गए, आपको जांच रिपोर्ट में बता रहा है लिखिए, यानी उसको बॉडी इतना शरीर इतना मजबूत था कि उसको कोई अटैक नहीं किया। तो हम लोगों को आने वाला समय में डीएक्शन का प्रोडक्ट और गेनोडर्मा आरजीजीएल स्पिरुलिना जम करके खाएंगे, जम करके बताएंगे। और दोस्त इमेजिंग कीजिए, कल्पना कीजिए, याद रखिएगा आने वाला समय में लोग दुनिया छोड़ के जाएंगे ना, डीएक्शन वाला के पूछेंगे कोई डीएक्शन वाला है आपके पास क्या, इसलिए तो हमको कंधा चढ़ा के ले जाना है। कहां ले जाना है भाई, कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट राम राम सत करने के लिए, क्योंकि लोगों के बीच में ताकत ही नहीं रहेगा। तो आए दिन हम लोग कितना भाग्यशाली हैं, आपको हर जगह आपको पूछने वाला है आदमी। आप सोचिए, तो इस प्रकार से जो है हमने शुरुआत किया था डीएक्शन को और लगातार मेहनत करने का काम किया, साइकिल से सफर शुरू किया और इसको अंजाम दिया। साइकिल से बदला, जब मैं शुरुआती बोनस मेरा 71 रुपया था, 200, 300, 400 जब स्टार बने थे तो मेरा बोनस आया था 2,500 के आसपास, स्टार रूबी बने उस समय मेरा बोनस 15,000 कुछ रुपया आया था। हमने पहली बार
डिस्कवर गाड़ी बजाज कंपनी का स्पोक वाला गाड़ी, सेल्फ मारने वाला नहीं था, किक मारने वाला लिया था, पैर से मारते थे तो चालू होता था। और वो उसको गाड़ी लिए तो उसको इतना गाड़ी चलाने में मन लगता था कि उस समय भी हम 50, 100, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चलते थे, क्योंकि हम साइकिल भी 60 किलोमीटर चलाते थे। अरे मोटरसाइकिल आ गया तो ये और चलने लगा, क्योंकि हम पापा जी को बोलते थे कि पापा मेरा साइकिल में मोटर लगा दीजिए ना। हम के किस लिए बोलते थे वो, तो नहीं इसमें लगा दीजिएगा ना तो हमको भार नहीं पड़ेगा, ये फ्री में चलेगा। तो वो बोले कि कैसे, हम कि बड़ा बड़ा पुल पर चढ़ते हैं तो खूब भार पड़ता है, लेकिन उतरते हैं तो लगता है कि बिना पैंडल मार ले खाली हैंडल पकड़ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर पछिया हवा है तो वो पीछे से ठेल ठेल के हम लोग को आगे बढ़ाता है साइकिल वाला को, तो इसीलिए कहते थे कि मोटर लगा दीजिए। आज देखिए कि मोटरसाइकिल मिला, फिर जो है एक साल डेढ़ साल के बाद हमने दूसरी गाड़ी लिए, बजाज डिस्कवर सेल्फ वाला, फिर जो है तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी बजाज, पांचवी गाड़ी, छठी गाड़ी, सातवीं गाड़ी जो है बजाज का, फिर जो है आठवीं गाड़ी बजाज डिस्कवर के बाद, फिर हम लोग जो है अभी मेरे पास अपाची गाड़ी, और हमने अपने बच्चे को पढ़ा करके इंजीनियरिंग करवाया डिएक्शन प्रोडक्ट से, एक बच्चा को इंजीनियरिंग बड़ा वाला को, दूसरा को मानव भारती, फिर जो है अभी आपका डीएवी में जा रहे पढ़ने के लिए, नाइन्थ क्लास में है, फिर एक बच्चे जिसको इंटर पढ़ाए इस डिएक्शन का चाय के बदौलत। आप सोच सकते हैं चाय बेच करके मोदी जी जब बन सकते हैं, क्या चाय बेच करके हम लोग मिलीनियर नहीं बन सकते हैं? क्या चाय बेच करके हम लोग क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते हैं? हम चाय बेच बेच के बता बता करके इसको गुणवत्ता को बताइए, क्योंकि कहा जाता है कि बेचने जाएगा तो नहीं बिकेगा, इसको बताइए फायदा जो आपके शरीर में होता है। तो पहले प्रोडक्ट को खाइए, जो फायदा होगा तो दिल से बोलिएगा, अगर नहीं फायदा होगा तो आप कहीं बताने जाएंगे और कहीं नहीं पीजिएगा, नहीं खा पिएंगे ये सब प्रोडक्ट, तो आप पहले हार जाएंगे मार्केट में। तो अगर हम पिए रहेंगे तो हाँ गैस ठीक होता है, एकदम बिंदास बोलेंगे, और कहीं भी जाइए तो शेर के जैसा बोलिए, बिल्ली के जैसा मेव मेव नहीं। लोग बोलते हैं चेवा ले ले, हाँ फायदा हो तो बताइए, ऐसे कोई लेगा? उसको बोलिए कि मेरे पास डिएक्शन का रेसी गैनो टी है, और इसको जो पिएगा उसके पास कोई भी रोग बीमारी नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, इसको पी करके आज हम स्वस्थ हैं, मेरे पूरे परिवार स्वस्थ हैं, मेरे घर में गैस कब्जियत का नाम नहीं है, मेरे घर में बड़ा बड़ा बीमारी का लेबल नहीं लगेगा, हमने जो है लेबल लगा के चिपका के रखे हैं, हम गेनोडर्मा का चाय पीते हैं। ये जो है बताने का काम जो है बिंदास होकर के कीजिए, और सो द प्रोडक्ट के बाद सो द प्लान कीजिए, समझे? स्टार रूबी बने ये सब बता बता करके इसके बाद और तेजी से बताना शुरू किए। स्टार डायमंड बने थे तो 21,889 रुपया आया था, और उस समय जो है खूब मन लगने लगा, फिर उसके बाद बढ़ते गया स्टार रूबी, स्टार डायमंड, इसके बाद जो है अब पोस्ट डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, अभी जो है मेरा पोस्ट जीडी स्कूटी गोल्ड डायमंड है, और जल्द ही जो है इसको पोस्ट के हम आगे बढ़ाने के लिए जो है लगे हुए हैं, शुरुआत में जो है काम कर रहे हैं इसके प्रति, और जल्द ही जो है हम भी आगे क्राउन इन्वेस्टर का सपना लेकर के चल रहे हैं। आज मेरे पास मोटरसाइकिल के अलावा इसी डिएक्शन चाय के बदौलत मेरे पास 18 लाख की कार स्कॉर्पियो S7 टॉप मॉडल, आज जो हम इस बैठे हैं इस घर में 40 लाख का फ्लैट गया एयरपोर्ट के सामने 3BH का जो है हम अपना इस चाव के चाय के बदौलत लिए। सपना था मेरा कि मेरा सपने का एक सुंदर घर होना चाहिए, मेरे सपने का एक गाड़ी होना चाहिए, हम देखते थे पहले, आप लोग भी देखिए पूरा होगा। फिर जो है इस चाय के बदौलत, दोस्त कहते हैं लोग पैसा नहीं आता है, इस चाय के बदौलत इस कोरोना काल में एक साल में हमने जो है दूसरी घर बनाए, सोचिए 20 से 25 लाख रुपया लागत उसमें लगा। लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता तो आपका प्रॉब्लम है, हमें तो पैसा आता है, आपको नहीं आता है तो ये आपका जो है प्रॉब्लम है, आप बहाना बनाते हैं, आप मीटिंग सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा आदमी नहीं लेके जाते हैं, आप मोबाइल जैसा अपडेट नहीं होते हैं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, मीटिंग ट्रेनिंग नहीं देख रहे हैं,
ये सब देखना शुरू कीजिए, आपको भी सपना पूरा होगा। और ये जो है इसी से बता बता के 8 विदेश यात्रा किए, 2 विदेश यात्रा पेंडेमिक में, कोरोना काल में पेंडिंग में था, उसका भी जो है कंपनी कितना बढ़िया है, फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर लिम सियोजिन, उनके लिए जोरदार ताली लगाइए, वो पैसा हम लोगों के अकाउंट में भेज दिए। और जो है अभी चल रहा है थाईलैंड का टूर, अभी हम लोग को कंपनी जो है मार्च फरवरी में कंपनी विजिट के लिए तेलंगाना के लिए जो है हम लोग को प्रोसेस चल रहा है, साथ साथ जो है थाईलैंड क्वालिफाई करेंगे, ये लास्ट हो रहा है दिसंबर तक। हम लोग डबल नहीं ट्रिपल क्वालिफाई करते हैं, सोचिए। और अगला जो विदेश यात्रा आएगा आपको जल्द ही आपको मोबाइल पर जाएगा उसका मैसेज, उसका फोटो वोटो 2022 का, तो आप लोग अभी से कमर कस लीजिए, एक बार अगर देश विदेश घूम लिए पासपोर्ट बनाइए, और एक बार अगर ठप्पा लगा आप बार बार विदेश जाइएगा। तो मेरे पास ये सारा जो है सुख सुविधाएं, हर साइकिल से लेकर के मोटरसाइकिल से लेकर के 4-व्हीलर गाड़ी, उसके बाद जो है देश विदेश के यात्रा, अपना जो है 3 BHK का फ्लैट, अपना घर पर एक दूसरे घर, फिर अपना स्टॉक पॉइंट मेरा गया से टेकारी में आशा इंटरप्राइजेज, खूब बढ़िया, वहां करीब करीब 100-125 आदमी को बैठने का कैपेसिटी, जाइए आइए आपका स्वागत है, वहां मीटिंग ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। वो सारा सपना जो है डी एक्शन का गेनोडर्मा का देन है, और जो है ए डाइटो डॉक्टर लिम सियोजिन हमारे प्रोफेसर सर रत्ना मैम का देन है, डॉक्टर एस रंजन का हमारे गुरुओं का देन है। एक बार सभी गुरुओं के लिए भी जोरदार ताली लगा दीजिए जहां कहीं भी हैं। और ये सारे जो चीजें, ये सब चीज जो है का श्रेय जाता है जो हम लोगों को फाउंडर सीईओ डायरेक्टर डॉक्टर लिम सियोजिन को लोगो देख करके और गेनोडर्मा को देख करके, और हम लोगों को मेंटर बताने वाला, हम लोगों को मेंटर महागुरु प्रोफेसर सर रत्ना मैम जो बताते हैं, एक मेंटर चुनना बहुत जरूरी है, अगर 75 को मेंटर चुनिएगा तो भटक जाइएगा, जैसे बताते हैं वैसे बताए, यस सर यस सर यस सर, केवल ऑर्डर दीजिए, बताइए सर हम लोग रेडी हैं, हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, हम लोग बोलते हैं, आज भी सर बोलते हैं कि हम 1% सीखे हैं, अभी 99% हमको सीखना है। तो कहा जाता है कि बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है, लेकिन सीख करके जहाज उड़ाना भी आसान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर डिएक्शन हमसे नहीं होगा, बहुत जो है ये प्रॉब्लम है हमको, ये है वो है, हम तो गरीब हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, 1000 के बहाना बनाते हैं। तो कहा जाता है ना कर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाए जा, ना कर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाए जा, मिलेगा खुद ब खुद मंजिल, कदम को आगे बढ़ाए जा बढ़ाए जा बढ़ाए जा। लोग बोलते हैं अपने आप से कमजोरी करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, हम तो गरीब घर में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा। उसके लिए हम बोलते हैं दोस्त मत मारो उस पानी में पत्थर, मत मारो उस पानी में पत्थर, जिसे लोग पीते हैं मत रहिए अपने जिंदगी से उदास, दोस्त आपको देख करके आप लोग जीते हैं। कहा गया है कि ये चाय नहीं है, ये महंगा सस्ता नहीं है, ये तो जिंदगी बदलने का एक रास्ता है। लोग बोलते हैं महा महंगा है, हम लोग बोलते हैं कि दोस्त महंगा नहीं है, ये तो एक बहाना है, ये जिंदगी बदलने का रास्ता है। चाय बेच करके मोदी जी बन सकते हैं क्या? आप चाय बेच करके हम लोग इतना देश विदेश अपना घर द्वार सारा बनाए, आप सोचिए 12 साल मेरा हुआ, 12 साल में 3-4 साल हमको सीखने में लगा, क्योंकि उतना बहुत बड़ा मीटिंग सीटिंग पहले नहीं चलता था। आपके सामने में इतना रात दिन मीटिंग ट्रेनिंग मिल रहा है कंपनी से लेकर के आरबीसी पर, आप सीखो ना, बहाना मत बनाइए। अगर आप बहाना बनाते हैं तो आपका बच्चे देखिए पैर पकड़े हुए है, पापा जी आपका बच्चे को समझ में आ गया, पापा जी मेरे लिए डिएक्शन कीजिए। देखिए आपका बेटा कह रहा है, आपका बच्ची लोग कह रहे हैं मेरे लिए डिएक्शन कीजिए, क्योंकि ये लेगेसी के लिए है, अगर हम नहीं भी रहेंगे दुनिया में हमारे बच्चे को मिलेगा, हमारे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे, ये 7 पीढ़ी 7 खानदान तक जाने वाला है। डॉक्टर लिम ने इतना बढ़िया प्रोजेक्ट लगा करके
हर देश में बढ़ा रहे हैं फैक्ट्री। हमारे देश में एक पर एक फैक्ट्री लग रहा है, पूरे दुनिया का विश्व का बाजार इंडिया है, क्योंकि इंडिया में जनसंख्या ज्यादा है। डॉक्टर लिम ने एक बार बोले थे कि हम इंडिया का विश्व का जो है फैक्ट्री सारा शिफ्ट करेंगे इंडिया में, और विश्व का बाजार इंडिया रहेगा डीएक्शन का। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या है, और इंडिया लोग ज्यादा जनसंख्या ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जब ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो यहाँ ज्यादा बिजनेस होगा। डॉक्टर लिम सियोजिन ने बताया थे मलेशिया में एक बहुत बड़ा बिस्मा इन्वेंशन चुरी में कि आपको दाया बाया नहीं घूमना है, घोड़ा के जैसा पट्टा लगा लो, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, ताक झाक नहीं करना है। इधर भी कंपनी करोड़ रुपया का रातों रात अमीर बना देगा, इधर भी बहुत सारा कंपनी है, हमरों में आ जाना तोरों में आ जाएंगे, हमारा प्रोडक्ट में खाइए ना, हम आपको भी काम करेंगे। तो दाएं बाएं मत देखा कीजिएगा, ये सब गड्ढा है, खाई है, आप गिर जाएंगे मर जाएंगे, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, जो सपना है वो सपना चूर हो जाएगा। आप सपने पर इतना जो है मजबूत हो जाइए, और एक सफल एक अपलाइन चुनिए, एक सफल गुरु बनाइए, एक मेंटर बनाइए, और वो जैसे कहते हैं वैसे आंख मूंद करके सपोर्ट कीजिए। किसके पास? सफल गुरु के पास, जो सफल है, जो आपको हित की बात सोचता है, असफल लोगों की नहीं। अरे जो है काम करते गए कहा गया है कि बिना गुरु ज्ञान न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, और गुरु के बारे में कहा जाता है दुनिया आपको जीतने नहीं देगा, दुनिया आपको जीतने नहीं देगा, और गुरु आपको कभी हारने नहीं देगा। आपको गुरु, आप मीटिंग सीटिंग में इधर उधर जाते हैं, रोज फोन करते होंगे, हाँ जी कैसे हो, आप मीटिंग में हालचाल पूरा ब्यौरा लेते रहते हैं। सोचिए आप कभी जो है नेगेटिव होते, आपका गुरु फोन करते हैं पॉजिटिव हो जाते होंगे। तो इस प्रकार से चलते रहेंगे तो आप जो है आए दिन एक समय ऐसा आएगा दोस्त, रिकॉर्ड बनता है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। यदि आप पसीना बहाइएगा, आपके झोली में भी सुरेंद्र प्रसाद धर्मशिला मैम है। आप मेहनत कीजिए, आप जितना बोरिंग धसाएंगे एक ही जगह धसाइए, 75 कंपनी में जाने से फायदा नहीं है। 75 जगह दिमाग लगा करके हम लोग देख लिया दोस्त, 12 साल से देख रहे हैं, बहुत सारे चले गए, बहुत सारे के बाल बच्चे रोड पर भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो दिमाग लगाना बंद कीजिए, सारा दिमाग अपने सफल अपलाइन को दीजिए, सफल गुरु जिनको मानते हैं उनको दीजिए। जैसे बताते हैं उस तरीका से आंख मूंद के कीजिए, सर जैसे बताते हैं वैसे करेंगे हम। हमको घर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बच्चे की पढ़ाई चाहिए, हमको सुंदर घर चाहिए। आज दोस्त जहां पर है मैं, हम इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, दिन में जो है दो गार्ड है, रात में चार गार्ड रहता है मेरा फ्लैट में, आप सारा सीसी कैमरा से पैक है, रोड से उतर देंगे गया डोभी रोड से एयरपोर्ट से, और पूरा एकदम कैमरे में कैद है, लिफ्ट लगा हुआ है, बटन दबाइए सड़क से ऊपर चलाएंगे, दो दो तीन तीन सुपर है, झाड़ू लगाने वाला अलग है, पोछा लगाने वाला अलग है, कचरा बिगने वाला अलग है। हर काम हर आदमी नहीं कर सकता है दोस्त, लेकिन हर आदमी वो काम कर सकता है जो कोई नहीं किया, जो कोई नहीं करते हैं। अब सब काम हम ही लोग करेंगे, सभी लोग डीएक्शन में आ जाएंगे, तो आप सोचिए कि ये सब काम के लिए कौन रहेगा। आप सोचिए ना, हम लोग तो सोच ले रखे हैं, आप लोग भी सोचिए हम किसके कैटेगरी में रहेंगे। लोग बोलते हैं 5,000, 4,000, 7,000 के नौकरी लग गए, आज मेरे पास नौकरी मिल रहा, सुपर का नौकरी है, गार्ड का नौकरी है, रहो 8,000 महीना मिलेगा। तो कहा जाता है डीएक्शन में नौकरी देने वाला हम लोग रहेंगे, नौकरी लेने वाला नहीं रहेंगे। आज मेरे टीम में 4,45,000 जो डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, मेरे टीम में सारे लोग नौकरी के पीछे नहीं है, हम लोग काम देने वाला, हम लोग जो है दूसरे को मालिक बनाने का काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप बनाने का काम कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है जीरो से हीरो बनिए, आपके पास सारा फोर लाइन बना हुआ है यार, कोई बहाना मत बनाओ दोस्त। आपके कंपनी से लेकर के मैनेजमेंट से लेकर के जितने भी आरबीसी का सारे लीडर योद्धा लोग हैं, डीएक्शन का योद्धा लोग हैं, सब लोग आप लोग को मीटिंग ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। रोज मीटिंग ट्रेनिंग रोज बताया जा रहा है कि आप लोग बढ़ो बढ़ो बढ़ो। और इसका
श्रेय एक ही जाता है, खूब होम मीटिंग कीजिए, अपने टीम में जो है एक एक आदमी दो दो चार चार पांच पांच मीटिंग दीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए, मीटिंग स्क्रीनशॉट, होम मीटिंग का अलग, उसको मैं भेजेगा कहाँ कहाँ होम मीटिंग दे रहे हैं वो सब भेज मंगवाइए, के मीटिंग दिया उस सबको बधाई दीजिए ना, कम से कम सीनियर लोग हैं जो। और अपना पीवी रिपोर्ट प्रतिदिन चेक कीजिए, आज मेरा कितना पीवी बढ़ा, कल कितना, परसों कितना, प्रतिदिन का पीवी रिपोर्ट का हिसाब आपके फाइल डायरी में होना चाहिए। और खूब दिल से मेहनत करेंगे तो दिल से काम करेंगे, दिल से ऊपर वाला भगवान ने कहा कि हम लोगों को बीच में इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है डीएक्शन, इतना बढ़िया सिस्टम, इतना बढ़िया हम लोग को जीवन मिला है, हम लोगों को जीवन कीड़ा मकोड़ा से अच्छा है ना मनुष्यतन, सोचिए 84 लाख जोनी में भटकने के बाद मनुष्यतन मिलता है, कुत्ता है, बिल्ली है, तोता है, मैना है ना, बहुत सारा जीव जंतुओं में क्यों ना हम लोग हुए, हम लोग को मनुष्यतन ही क्यों मिला है, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, अगर इसको छोड़ करके ऊपर जाएंगे ना तो पूछेंगे कि धरती पर भेजा था आपने क्या क्या किया, क्या काम किया। तो हम लोगों को जो पीढ़ी आ रहा है ऊपर से लीजिए, दादा परदादा छरदादा पापा जितने भी अलखड़ दादा थे सब गरीब गरीब गरीब, आप अपने बच्चे को हम लोग यहां से क्या देना चाहते हैं नीचे, गरीब या अमीर लिखिए, अगर अमीर देना चाहते हैं अपने बच्चे को तो आप काम कीजिए, आप सपना लीजिए, सपना को देखिए, कितना सुंदर घर होगा, कितना सुंदर गाड़ियां होगा, देश विदेश घूमने का मौका है, सारा चीज है, इसको बेचिए, बताइए, बताना शुरू कीजिए, बिक जाएगा अपने आप, ये सारा चीज जो है आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी चाहत क्या है। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोगों के बीच में रखा है यार, आज हम लोग बताते हैं कि मेरे पास एक समय था खाता नहीं था, एटीएम नहीं था, लोग बोलते थे कि इतनी वो कार्ड रहेगा डालिएगा पैसा निकल जाएगा एटीएम से, कैसे निकलेगा, लोग बोलते थे मोबाइल सबके लिए नहीं है, ये अमीर आदमी के लिए है, क्या आज सबके पास हुआ, आज गरीब गुरबा के पास भी है, एक रिक्शा चालक के पास भी है, हर आदमी के पास है मोबाइल, घर घर गया ना, उसी प्रकार से लैपटॉप घर घर गया ना, बड़ा वाला मोबाइल आ गया, वीडियो कॉलिंग देख रहे हैं ना, लोग बोलते थे अच्छा हमारा भी फोटो देखेगा, हम परिवार को भी दोनों फोटो देखेंगे, आज आपके सामने है ना। उसी प्रकार से डीएक्शन का गेनोडर्मा का रेसी गेनोटी डीएक्शन प्रोडक्ट को लोग कहते हैं महंगा, दोस्त हम लोग 2009 में आए थे महा महंगा लगता था, आज महा महंगा लगता था लेकिन आज महा सस्ता लगता है, क्योंकि इसी के जो है बता बता के आज हमने सारा अचीवमेंट आपके सामने बताया, हमने अपने जो है दिखा देखा करके बच्चे को इंजीनियरिंग करवाया, इंजीनियरिंग करवा करके सिविल इंजीनियर गुरु नानक कॉलेज लुधियाना, और वहां से रिजाइन मरवा करके डीएक्शन क्षेत्र में लगाए, डीएक्शन को जो है लिए एक बार जो है हम जो है धन्य करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर लिम सिंह जी के लिए, प्रोफेसर सर अपना मैम के लिए, और उसको डीएक्शन में पिछले एक महीना पहले के पहले स्टार डायमंड क्वालिफाई किया। दोस्त 1,40,000 रुपया 40,000 पीवी प्लस 35,000 रुपया के ऊपर बोनस, हम उसको बोलते हैं कि जो तुम इंजीनियरिंग में अगर टाटा बिरला तुमको ले लेता ना वहां क्या तुमको करना था, कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, कैसे कंपनी का ज्यादा मुनाफा होगा, तुम आओ ना डीएक्शन तुम्हारा कंपनी है, इस कंपनी में तुम कितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे, कैसे चाय बिकेगा आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा, कैसे चाय बिकेगा, कैसा प्रेजेंटेशन देंगे आप, कैसे अपने सपने को पूरा कराएंगे, आप 1 करोड़ 1 रुपया कैसे कमाएंगे, 10 करोड़ 62 करोड़ कैसे कमाएंगे, ये सारा जो है वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसका काम था इंजीनियरिंग। दोस्त आप लोग सोचिए, अपने बच्चे लोगों को भी पढ़ाइए, पढ़ा पढ़ा करके और डीएक्शन क्षेत्र में लगाइए, इससे बढ़िया इससे बेहतर चीज कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे को खरीद लेता टाटा बिरला 30,000 40,000 50,000 में तो 50,000 में 50 करोड़ अरबों रुपया कमाता, लेकिन वहां भी क्या करना पड़ता है, इनको बताना पड़ता। आज डीएक्शन में आए हैं लगन से, वो भी लगे हैं और उनका टीम भी लगन से लगा हुआ है, हमारा टीम जितने भी सभी लोग हैं लगन से लगिए, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड के जितने भी अगर आप लोग सुन रहे हैं आज जूम मीटिंग में, सब लोग दिल से काम कीजिए, दिल से लोगों को बताइए, खूब बच्चे को पढ़ाइए, हम लोग पैसा किस लिए कमा रहे हैं, बच्चे के लिए ना,
खूब अच्छा सुंदर घर बनाइए ना, खूब अच्छा कपड़ा लता दीजिए, खूब जूते दीजिए, खूब मोबाइल दीजिए, जो चाहिए जो, लेकिन हमको 1 करोड़ चाहिए। हम सीधा बोलते हैं, हमको कैसे आएगा? तुम इंजीनियर हो बाबू, हम तो पढ़े लिखे कम है, हम तो एसटीडी वाला है, तुम इंजीनियर साहब हो, बताओ कैसे सामान बिकेगा, कैसे पीवी बढ़ेगा? तुमको करना है, अब तुमको उसी का जो है पैसा मिलेगा। दोस्त, डिएक्शन में जितना प्रचार करोगे उतना पैसा आएगा, डिएक्शन में प्रचार करने का पैसा आता है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, असबर जा रहे, देख लीजिए, लक्स साबुन बेच करके कोई कितना पैसा है, नवरत्न तेल बेच करके कितना पैसा है, बताइए, ठंडा ठंडा कुल कुल। क्या हम लोग इस चाय के बेच करके आज जो हमारा ये सब मिला, आज मेरा रिकॉर्ड को तोड़िए, रिकॉर्ड बनता है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, अगर आप लोग में दम है। दोस्त, कितने लोग हैं इस जूम मीटिंग में, आज कसम खा लीजिए, अगर आपके दम है तो मेरा रिकॉर्ड को तोड़ करके दिखाइए, हमारा सीना चौड़ा होगा, अगर जूम मीटिंग में सभी पार्टिसिपेंट हैं देख रहे हैं जो, आप दिखा दिखा करके, आज तो इतना सारा टेस्टिमोनियल यूट्यूब पर जो है आपका मिल रहा है, डीएक्शन आरबीसी, फिर जो है डीएक्शन का कंपनी का वेबसाइट बहुत सारा है, ऑफिशियल चैनल, और चैनल एक नया शुरू हुआ जो सबको देखिए, आप रात दिन इसी में रह जाइए ना, आप 6 महीना साल भर में बन जाइए, 6, 36, 216, 3 महीना में 87,000 रुपया, 4 महीना में 5 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर, 62 करोड़ से ऊपर, आपको कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, आप बना लो ना, छाप लो। दोस्त, बोला जाता है ना, आप कल्पना कीजिए, आपके लिए एक खूब बढ़िया शायरी बताते हैं, डीएक्शन अपार देती है, डीएक्शन अपार देती है, डीएक्शन अपार देती है, खुशियां को संवार देती है, और जब देने को सवार हो जाती है तो छप्पर को छोड़ दीजिए, लिंटर को भी फाड़ के देती है। आप कल्पना कीजिए आपको कितना चाहिए, आप लगन से मेहनत कीजिए, आपके नीचे एक एक क्राउन एम्बेसडर आएगा। लोग हमको बोलते हैं, शशि जी आपके नीचे तो क्राउन एम्बेसडर है, आपको नीचे भी भैया क्राउन एम्बेसडर है, रखा है भगवान ने खूब बढ़िया से पोटरी में, आपकी मेहनत कीजिए ना, मेहनत करेंगे आपको क्राउन एम्बेसडर कोई ना कोई झोली में आ जाएगा, हजारों क्राउन एम्बेसडर के लिए आएगा। हम लोग भी तलाश रहे कि और मेरे टीम में जो है ज्यादा से ज्यादा क्राउन एम्बेसडर पैदा हो, यही ऊपर वाला से दुआ कल्पना करते हैं, सारे इंडिया के लोगों में क्राउन एम्बेसडर पैदा हो, सारे दुनिया के जितने भी लीडर हैं सबको क्राउन एम्बेसडर पैदा हो, सबको क्राउन एम्बेसडर बनिए और अपने टीम में भी बनाइए, लगन से काम कीजिए, लगेसी के लिए काम कीजिए। दोस्त, हम लोग छोड़ के जाएंगे तो क्या जाएंगे, यही ना अच्छा बुरा। आज देखिए डीएक्शन में भी बहुत सारे लोग नहीं रहे, किसी का बेटा को मिल रहा, किसी का बेटी को मिल रहा, किसी का बहू को मिल रहा, किसी को पोता को मिल रहा, सोचिए कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। दोस्त, दिल से काम करने का चीज है, हम यही बताएंगे, कोई बहाना मत बनाइए, बहाना बनाने वाला कभी कामयाब नहीं होता है। तो इसी के साथ जो है मीटिंग को हम समापन की ओर ले जाएंगे, और आज जितने भी पार्टिसिपेंट जूम मीटिंग में हैं, जो भी गलतियां हैं उसके लिए जो है क्षमा मांगेंगे, और अगर आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात कड़वा लगी होगी तो उसके लिए भी हम माफी मांगते हैं, कड़वी बात सच्ची होती है। दोस्त, दुख लगता है एक बार, लेकिन हमेशा सुखी में बदल जाएगा। हमको भी दुख लगा था, हमारे पत्नी भी बोली थी, और उसके लिए हम कसम खाए थे कि रानी बना के रखेंगे, नौकरानी नहीं। आज हम अपने पत्नी बच्चे को रानी राजा जैसा रखते हैं, हम नौकरानी जैसा नहीं रखते हैं, नौकरानी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं काम करने वाले। तो आप भी जो है मेरा सपना को लेकर के जो हमने अचीवमेंट बताए, एक प्रोफेशनल बनिए, एक पेशेवर बनिए, और पेशेवर बन करके दुनिया में छा जाइए, यही हम कहेंगे, यही ऊपर वाला से भी प्रार्थना करेंगे, और इसी के साथ हम अपने मीटिंग को समापन की ओर ले जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद शशि भूषण जी, बहुत बेहतरीन तरीके से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये बताया कि अपना सक्सेस स्टोरी पूरा बताया, उसके साथ साथ आपने डीएक्शन पेशेवर कैसे बने, डीएक्शन प्रोफेशनल्स कैसे बने, उसको भी बहुत तरीके से प्रैक्टिकली आप बताए कि कैसे हमें क्या करनी चाहिए हमें प्रोफेशनल्स बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, उम्मीद करता हूँ फिर हमें आपसे और सेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू जी सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल फिर हम मिलेंगे 12 बजे। कल की जो सेशन है बहुत बेहतरीन सेशन रहेगा, वो सेशन जो है लीडरशिप बोनस के ऊपर, अनलॉकिंग लीडरशिप बोनस। और इनमें जो स्पीकर्स रहेंगे हमारे नॉर्थ इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर विजय कुमार जी, और साथ साथ हमारे साउथ इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर केपी राहुल जी रहेंगे। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलेंगे 12 बजे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर।